आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष दीपावली के पावन अवसर पर दीपावली की एक प्रचलित कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली का पावन त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवती महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। दिवाली के पावन दिन भगवान श्री विष्णु जी ने राजा बलि को पाताल का इंद्र बनाया था। तब इंद्रदेव ने बड़ी प्रसन्नता से दिवाली मनाई कि मेरा स्वर्ग का सिंहासन बच गया। और इसी पावन दिन समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। दीपावली के पावन दिन श्री रामचंद्र जी लंका से वापिस आए थे और उनका 14 वर्ष का वनवास समाप्त हुआ था। उनके वापस लौटने के उपलक्ष्य में सभी ने घर घर दीप जलाए थे और उनका स्वागत किया था। और इसी पावन दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने संवत की रचना की थी। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर मुहूर्त निकलवाया था। और इसी पावन दिन आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद जी का निर्वाण हुआ था। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पहले से घरों को लीप पोत कर साफ किया जाता है और इस दिन घरों को अच्छी तरह से सजाकर दीपक जलाए जाते हैं। बच्चे उमंग से भरकर आतिशबाजी तथा पटाखे छोड़ते हैं। दिवाली के दिन प्रदोष काल में माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं और जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, माँ लक्ष्मी अपनी कृपा उन पर बरसाती हैं। कुछ लोग दिवाली के दिन व्रत भी करते हैं और शाम के समय पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद अपना व्रत खोलते हैं। आइए शुरू करते हैं दीपावली की कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाने जाती थी, उस पेड़ पर माँ लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी सहेली बनना चाहती हूँ। लड़की ने कहा, मैं अपने पिता से पूछ कर आऊंगी, अगर मेरे पिताजी ने हाँ कर दी तो मैं तुम्हारी सहेली बन जाऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर आकर अपने पिता को यह बात बताई। तब पिता ने कहा, क्यों नहीं, वह तो साक्षात लक्ष्मी जी हैं और हमें क्या चाहिए, तुम उनकी सहेली बन जाओ। अगले दिन जब साहूकार की बेटी पीपल सींचने गई तो उसने माँ लक्ष्मी जी की सहेली बनना स्वीकार कर लिया। उसके बाद साहूकार की बेटी और माँ लक्ष्मी अच्छी सहेलियों की तरह आपस में हर रोज बातचीत करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को घर आने का निमंत्रण दिया। जब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ गई तो लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए शाल दुशाला दिया। सोने की चौकी पर बैठाकर सोने की थाली में अनेक प्रकार के भोजन परोसे। साहूकार की बेटी जब खा पी कर वापस लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसे प्रश्न किया कि तुम मुझे अपने घर कब बुलाओगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर साहूकार की बेटी ने कहा, अच्छा आ जाना। उसने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला तो लिया, परंतु अपने घर की आर्थिक स्थिति देखकर वह उदास हो गई और रूठकर बैठ गई। तब साहूकार ने पूछा कि लक्ष्मी जी तो भोजन करने आएंगी और तू उदास होकर बैठी है। तब साहूकार की बेटी बोली, पिताजी
लक्ष्मी जी ने मुझे इतना कुछ दिया है और बहुत सुंदर भोजन कराया है, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी? हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कह दिया, वह तुम्हारी सहेली हैं, हमसे जो बन पड़ेगा हम वैसे ही खातिर कर देंगे। तू गोबर मिट्टी का चोका देकर घर की सफाई कर ले, चार बत्ती वाले मुख का दिया जला ले और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। जब साहूकार की बेटी दिया लेकर बैठी थी, इतने में एक चील रानी का नौलखा हार पंजे में दबाकर उड़ती हुई जा रही थी। उसके पंजे से वह नौलखा हार छूटकर लड़की के पास आकर गिर गया। लड़की हार को देखने लगी। उसने अपने पिता को वह हार दिया। बाहर शोर हो रहा था कि एक चील रानी का नौलखा हार लेकर उड़ गई है, किसी को मिले तो लौटा देना। एक बार तो साहूकार के मन में विचार आया कि इस हार को बेचकर लक्ष्मी जी के स्वागत का प्रबंध करें, लेकिन अच्छे संस्कारों की वजह से साहूकार ने अपनी बेटी को कहा कि यह हार हम रानी को लौटा देंगे। लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए धन तो नहीं है, पर हम उन्हें पूरा मान सम्मान देंगे। ऐसा सोचकर साहूकार और उसकी बेटी ने नौलखा हार राजा को दे दिया। तब राजा ने खुश होकर कहा, जो चाहो वह मांग लो। तब साहूकार ने राजा से कहा कि मेरी बेटी की सहेली के स्वागत के लिए शाल दुशाला, सोने की चौकी, सोने की थाली कटोरी और 36 प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था कर दीजिए। राजा ने तुरंत ही वह व्यवस्था करवा दी। तब लड़की ने गणेश और लक्ष्मी दोनों को बुलाया। फिर आगे आगे गणेश जी और लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी के यहाँ पहुँच गए। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सोने की चौकी पर बैठने को कहा। लक्ष्मी जी ने चौकी पर बैठने से बहुत मना किया और कहा, इस चौकी पर तो राजा रानी बैठते हैं, मैं इस चौकी पर नहीं बैठूंगी। पर साहूकार की बेटी की जिद के आगे लक्ष्मी जी की एक ना चली और वह उस चौकी पर बैठ गई। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी की बहुत खातिर की, जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और उन्होंने साहूकार के घर को धन धान्य से भर दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसे आप साहूकार की चौकी पर बैठी और उन्हें धन धान्य से भरपूर कर दिया, उसी प्रकार अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। जय माँ लक्ष्मी। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। जय माँ लक्ष्मी। यदि आपको दिवाली की कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में शुभ दीपावली, जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।